अच्छा सवाल है माशाल्लाह, जिदे उत्ते सानू सोचना चाहिए, साड़ी कौम नू भी सोचना चाहिए, साड़ी मतलब हकूमत हर बंदे नू बल्कि सोचना चाहिए। ये लड़की 1972 च कराची च पैदा हुई है, बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है, ठीक है जी। 95 च अमरीका चली गई, MIT तो इन्हें मतलब उतों भी तालीम हासिल की, डिग्री लई इन्हें, PhD किया इन्हें, ठीक है जी। 2003 दे विच जिहड़ा ये कराची तो जिहड़ी दी रिपोर्ट, लास्ट रिपोर्ट जिहड़ी साडी लीगल रिसर्च ने, और बाकी भी सारा आ चुके हैं, हुण तां अखबारां च भी आ चुके हैं, नैट ते भी आ चुके, हर जगह आ चुके हैं। ये उत्थों अपने 3 बच्चों नाल जिहड़ा है ये इस्लामाबाद टैक्सी ते बह के इस्लामाबाद की फ्लाइट इन्हें पकड़ी है। जिसले उन्हें इस्लामाबाद पहुंची है, उस तो बाद अगे का कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है जी। ऑल ऑफ ए सडन 2008 यानी 5 साल के बाद पता चलता है कि वो जी अमरीका की कस्टडी के कितने वे, सिर्फ लीगल आस्पेक्ट जी गल थोड़ी करांगा, तुम पता है किस तरह बनते हैं और बनाया भी होना मेरे ख्याल, ठीक है। वह तजर्बा है फौज के, मैं रहा वा थोड़ा जहा इंटैलीजेंस का भी तजर्बा है वे, मैं करा गल एजेंट के उत्ते, मैं आवागा गल, लेकिन इस का जरा जो इस जवाब है थोड़ा मैं आखिर से थोड़ा देंगा, पहले थोड़ा मैंने गल जरा थोड़ी कर लेंगे तुम क्योंकि गल छेड़ दी हूँ। दो चीज़ा ने, दो डेफिनेशन आदि ने, एक होंगे सस्पैक्ट जी, इनू तुम हम आम आम जबान च ना लिया जाए, यानी आम ए जरा तसरे का ना लिया जाए, शक हाँ एक ना लिया जाए, ये मखसूस लफज है। एक होंगे सस्पैक्ट, एक होंगे अक्यूज, अक्यूज मिलन की इजाजत होंगी है, अक्यूज उन्हें देर तक इनोसेंट हों जिन्ना चेर उन्होंने तुम फैसला नहीं हो जाता, फैसला जी गिल्टी नहीं हो जाता, कन्विक्शन नहीं हो जाती, उन्होंने चेर उन्होंने इनोसेंट समझा जाता है, उन्होंने हर शक का फायदा दिता जाता है, ठीक है जी। अगली गल आ गई, सस्पेक्ट आ गया, सस्पेक्ट जिसने तुसी इनू मिलिट्री या इनू तुसी उस फौज दे या उस करदार या उस फील्ड चंदे तुसी देखते हो ना, या इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो या एजेंसियां दे पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो, सस्पेक्ट नू ये चीज़ा सारियां सहूलतां नहीं होंदियां जिहड़ियां अक्यूज नू होंदियां ने। उन्हें यह नहीं पता 2003 तो 2008 तक की होता रहा है, या खुद अंडरग्राउंड गई है या खुद अंडरग्राउंड नहीं गई, तो क्या यह सस्पैक्ट रही है, क्या यह किसी जेल दे विच रही है। जो इस सस्पैक्ट जिससे तुसी पकड़ दे नो, ए दो अगे फिर एक दो चीज़ा आ जांदियां ने, नो अमेरिका की जिहड़ी वॉर है अफगानिस्तान दे विच, नो मैं हुण गल कर रहा ये किसी होर तनाजर दे विच, जदों वार होंदी है क्या ओ उथों दे मतलब उन्होंने आकोपाइड उन्होंने किते आ उन्हों, या एक नॉर्मल वार चल रही है, ठीक है जी, और वार किदे अगेंस्ट चल रही है, ठीक है। फिर इहदे विच क्या ये सस्पैक्ट लिया गया सी इहनू, या ये वैसे कोई इन्हें को ऑफेंस किया, उहदे अगे भी फिर दो तरीके आ जाते हैं, अगर तो ये जिदे जिहदे जुर्म इहदे ते लाए गए ने वो एक नॉर्मल चीज है, उहदे उत्थे ही इहदा फील्ड कोर्ट मार्शल कर देंदे अफगानिस्तान च कर देंदे, इहनू अमरीका जाके क्यों किया गया जी। बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जिहड़े हुण चार्जिज आए ने, जिहड़े सामने चार्जिज 7 काउंट्स दे उत्ते उहनू जिहड़ी सजा दित्ती गई है, अटैम्प्ट टू मर्डर, हां सजा नहीं दित्ती गई, हालत गलत, सॉरी सॉरी, ओ जी उहनू 7 काउंट्स दे उत्ते जिहड़ा ज्यूरी ने फैसला दित्ता है। अच्छा ये भी मैं थोड़ी गल बड़ी हो गई, मतलब मेरे सहन च वैसे एक ख्याल है कि गिल्टी करार देने तो बाद रिएक्शन जिहड़ा है पाकिस्तानियों का वो आवे, बल्कि आलमी एतबार नाल रिएक्शन आ रहा है, तो मुमकिन है कि वो जिहड़ी ज्यूरी है वो सजा ना देवे, ओके गिल्टी तो है मगर असी इस नूं छोड़ रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? उहदे बारे च मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक अलग गल है जी, वो किन्ने एफर्ट होंदे ने
किन्ने आलमी एफर्ट होंगे ने किन्ने साड़ी हुकूमत के एफर्ट्स होंगे ने जिस तरह मतलब तैयबा साहबा ने फरमा रही सन कि किन्ने एफर्ट होंगे अगर इस तरह ही जाके चक्कर ला के वापस आना है जिस तरह फरमा रहे ने या शॉपिंग करके वापस आना है तो फिर तो मतलब जरा फिर तो कोई असर नहीं पैदा ना जैसे एक सुपर पावर है उन्हें इन खड़े ही कहते वास्ते उत्थे वे देखो जी एक छोटे मोटे क्राइम जो छोटे मोटे जो फील्ड कोर्ट मार्शल कर देंगे फर्क कर देंगे ना हूँ तुम अगली गल की एजेंट की गल की डॉक्टर साहब एजेंट्स जो होंगे ने एजेंट्स को एक दिन च नहीं बनता होंगे एजेंट्स जो होंगे एक प्रोसेस होंगे जिससे तुम एजेंट पहले तो सिलेक्शन करते हो उन फिर ल्योर इन करते हो अपनी तरफ मतवजो करते हो फिर कई टेस्टा के कई तजर्बों के गुजरता है कई वो टेस्ट ट्रायल होंगे ने और नॉर्मली जो एजेंट्स ने देखो जिस तरह तुम उन्हें देखो सुसाइड बंबर्स देख लो एजेंट्स नॉर्मली सड्यूस किया जाता है यानी वो दिमाग में जिन्हें तुम आम तौर के उत्ते डॉक्टर्स भी इसको कहें बाइपोलर बाइपोलर होंगे एक अनदर पोल एक नॉर्मल पोल चल रहा है वो एक दूसरा पोल चल पैंता है बाइपोलर मैड नहीं होंगे बंदा पागल नहीं होंगे बंदा सुइसाइड बंदे जो आते हैं अटैक करते हैं ये बाइपोलर ने मैड नहीं ये पागल नहीं है ये जिहड़ा इन्हां नूं टारगेट दिता जाता है जिहड़ा समझाया जाता है जो ट्रेनिंग दी जाती उत्थे आके ट्रिगर करते हैं ये होर किधर नहीं जाते हालांकि इन्ना सफर करके आ रहे होंगे ने इस तरह जो एजेंट्स होंगे ने वो टारगेट उत्ते टारगेट ओरिएंटेड होंगे ने यानी टारगेट जो उनके सामने होंगे उन्होंने उत्थे ही जाना होंगे हुण ल्योर इन पहले नॉर्मली ये जो फॉरन जो फॉरन एलीमेंट्स जो आते हैं फॉरन कंट्री हर फॉरन कंट्री करता है ये जो खास तौर पर साढ़े जो स्टूडेंट्स होंगे ने इन दे दिमाग अजे बड़े जड़े ने चल रहे होंगे ने बड़े मच्योर होंगे ने उन्होंने की करते ने उन्होंने अपनी उन्होंने मुराद देनिया शुरू कर देंगे बस कद उन्होंने बड़िया एप्रीसीएशन देनिया शुरू कर देंगे ने कि भाई तू बहुत अच्छा काम किया अच्छा यह भी वजीफा तेन लग गया यह डिग्री तू ले लै यह तेरा माफ हो गया वह हो गया क्योंकि जो स्टूडेंट बाहर जाते हैं उन्होंने अपना एक उन्होंने अपनी एक जी है ना पैसे की भी जरूरत होंगी है डॉक्टर साहब तुसी बड़ी अच्छी गल कीती है हुण मेरी उम्र दा या कोई जिहड़े मैच्योर लोग ने उन्हां नूं जिहदे कोल अगे सब कुछ है वे उन्हूं काबू करन वास्ते या वक्त जिस तरह जो चीज कर हकीकत भी डाल देने नहीं लेकिन एक गल समझ नहीं आ रही चलो एजेंट भी है हो गया उसका शोर जिस तरह तय जी खातून है आफिया आखिर कोई उसकी कैफियत तो होगी ना जिस तो शक पे है सस्पेक्ट तो हो ही तो कुछ तो उन्हें किया होना है एजेंट जरा है वो कोई ग्राउंड मौजूद है तो उस पर बेस करेगा ना हवास तो नहीं उन्हें कोई मामला चला देना एजेंट पार्ट का दिन उससे एजेंट होंगे को जो तैयबा साहब फरमा रही ने को एजेंट भी होंगे ने मसल हूँ जिस तरह उन्होंने तैयबा साहब ने गल की है क्योंकि मेरा यह फील्ड नहीं है इस वक्त देखो ना आखिर सिर्फ आफिया ही क्यों है जिसते एलिगेशन आए गए उसके शोर ने उस क्यों मतलब एक एजेंटी की थी उसनू फसाया आफिया रिलीजियस लड़की सी हजाब लेना हाफिज़े कुरान रिलीजियस सी और रिलीजियस होना 9/11 तो बाद एक जुर्म है एक गल यानी खुद एक जुर्म है एक खुद चार्जेस दे विच के भी आ जांदा है कि भाई हजाब लेना तुहानू सी रोज खबरां पढ़दे हो नहीं तू तो शोर पे मजदूरी रखिया मजहबी है सब कुछ है उन्होंने को लिटरेचर भी उन्हें असी तो देखो ना इस वक्त इस चीज़ का उन्होंने ये लोग जो होंगे ने रिलीजियस लोग होंगे ने इन्होंने घर लिटरेचर होंगे मुख्तलिफ किस्म का जिदे भी इन्होंने छापे मारे ने वो चाहे लड़के वो लड़कियां या जो भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो इनोसेंट ने या नहीं इनोसेंट ये तो कोर्ट च जाके या लेकिन मटेरियल निकलता है देखो ना मसल मैं बड़े अदब रखवांगा
کہ مسلم میرے علم تک ہے کیونکہ میں